हे दोस्तों, अगर आप इस थंबनेल को देख के इस वीडियो को देखने आए हो तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप आपके करियर को बेस्ट तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट करियर कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं ये बता दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप आपके करियर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। बट मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपके करियर को सिलेक्ट करो और उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो देखो। क्यों क्यों मैं आपको ये इसका जवाब देता हूं, तो इसे मैं एक सवाल के जरिए स्टार्ट करता हूं कि अगर आपको एक बड़ा एक्टर बनना है और आप देख रहे हो एक मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीच जो बिजनेस के ऊपर है, तो क्या आपको इससे कोई हेल्प मिलेगा आपके करियर को सिलेक्ट करने में? देखो, यहाँ पे सवाल यही है कि मोटिवेशनल जो चीज आप देख रहे हो ये बस एक मूवी की तरह काम करेगा। अब ये कैसे काम करता है, जैसे कि मान लो आपने एक फैमिली मूवी देखी तो आपके अंदर एक हफ्ते तक एक फैमिली फीलिंग्स आ जाती है। या फिर मान लो आपने एक देशभक्ति का पिक्चर देखा है तो आपके अंदर एक फ्रीडम फाइटर वाली फीलिंग आ जाती है। या फिर आप एक स्पोर्ट्स वाले पिक्चर देखते हो या फिर फाइटिंग वाले मूवी देखते हो तो आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस, ये ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। बट ये रहता सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, उससे ज्यादा नहीं टिक पाता। सेम मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल स्पीच जो है ये आपके अंदर जो है कुछ दिनों के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक हो रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बट अगर आपने सबसे पहला एक करियर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीच सुनो या ना सुनो, ये आपका जो लाइफ है इसे ऑटोमेटिकली सेट करेगा। देखते ये कैसे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, अब उसे पता है कि उसे इस देश से क्राइम कम करना है, तो क्या वो रोज सुबह उठ के एक मोटिवेशनल स्पीच सुनता है या मोटिवेशनल स्टोरी देखता है? नहीं, उसे अपने देश से क्राइम को कम करना है तो वो बिना किसी मोटिवेशन के अपने काम को करता है। वैसे ही एक डॉक्टर जिसे पता है कि उसे लाइफ बचाना है तो एवरीडे वो एक ना एक लाइफ बचाता है, इसके लिए वो कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह नहीं देखता। इसी तरह आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका करियर क्या है। नाउ मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीच या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज आपको नहीं देखनी है, ये आपको बूस्ट देती है, लेकिन उसके पहले आपको एक करियर को सिलेक्ट करना है। अब आप आपके करियर को कैसा सिलेक्ट करोगे? नाउ आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके करियर को सिलेक्ट करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत है, वो है इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। नाउ ये क्या है इसे अच्छे समझो। इंटरेस्ट मतलब किसी चीज के प्रति मेरा प्यार या लव, मैं किसी चीज को करना पसंद करता हूं, वो मेरा इंटरेस्ट है। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है, किसी चीज को करने की क्षमता, स्किल, मुझे उसे करने की क्षमता है। थर्ड क्या है, थर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब वैल्यूज, उस चीज को करने का मुझे वैल्यू मिल सकता है या उस चीज को करने का मुझे रिवॉर्ड या पैसा मिल सकता है, वो होता है अपॉर्चुनिटी। नाउ यहां पे तीनों चीज अगर कोई आपके इंटरेस्ट से मैच हो जाए या आपने जिस चीज को चुना है उससे मैच हो जाए तो ये आपका करियर बनेगा। अगर इसमें से एक भी चीज, तीनों में से एक भी चीज मिस है तो आपका करियर नहीं बनेगा। और वो क्यों नहीं बनेगा इसे भी जानते। मान लो कि किसी चीज के ऊपर आपको बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि मुझे ट्रेवलिंग का बहुत इंटरेस्ट है और मुझे कैपेबिलिटी भी है, मींस मैं एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन लगातार घूम सकता हूं, बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे पे करने वाला, मुझे उस चीज का वैल्यू देने वाला कोई नहीं है, तो ये सिर्फ मेरा एक हॉबी बन के रह जाएगा, ये करियर तक नहीं पहुंचेगा। अब मान लेते हैं कि मुझे इंटरेस्ट है एंड अपॉर्चुनिटी है बट मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। इसे समझते हैं जैसे कि एक क्रिकेटर है जिसको इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में और उसके पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब किसी ना किसी पहचान के थ्रू जा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा भी सकता है, बट उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो उसे ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है, एक घंटा खेल के थक जाता है या दो घंटा खेलने का थक जाता है। इसका मतलब ये बन जाएगा उसका एक ड्रीम, ये ड्रीम के अलावा और कुछ नहीं है, ये एक सपना बन के रह जाएगा उसका। अभी देख लेते कि आपको इंटरेस्ट नहीं है
और बाकी दो चीज है जैसे कि कैपेबिलिटी है एंड अपॉर्चुनिटी। तो आप मुझे बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि दुनिया के 70-73% लोग यही करते। देखते हैं कैसे ये कुछ इस तरह काम करता है। मान लेते कि मुझे ट्रेवलिंग करने में कुछ मजा नहीं आता, मीन्स मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे अंदर कैपेबिलिटी में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन घूम सकता हूं, और मुझे अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब मुझे उसका पे मिलता है, पैसा मिलता है, तो मैं उसे कर रहा हूं। इसका मतलब वो मेरा करियर नहीं है, वो मेरा जॉब है। इसलिए मैं बोला 72% लोग यही करते। और ये वीडियो सिर्फ 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल के लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोग इसे फॉलो कर सकते। अभी भी कोई मौका गया नहीं है, आप आपके करियर को किसी भी एज में सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो चीज आपको पसंद है उस चीज में ये तीनों चीज मैच होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट, आपकी कैपेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और आपने जो चीज को सिलेक्ट किया उसके साथ ये तीनों चीज है, इसका मतलब यू आर चूजिंग द बेस्ट करियर, और आपने एक बेस्ट करियर चुना है। होप आपको इस वीडियो से मदद मिला होगा कि आपको करियर को कैसे सिलेक्ट करना है। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक्चुअली ये जो सीरीज है वोकेशनल कोर्स के ऊपर बनाने वाला था, बट मैं सबसे पहले ये बताना चाहता था कि आप पहले किसी चीज को सिलेक्ट कैसा करें। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से मदद मिला या नहीं, और आप किस करियर में फोकस कर रहे हो, और आपको कौन सा करियर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आपके पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरह करियर को और बेहतरीन तरीके से चूज कर सकते हैं। पर्सनालिटी का मतलब लुक्स एंड फिजिक्स नहीं होता, पर्सनालिटी का मतलब होता है स्किल, इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां पे मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, और इस पूरे सीरीज के साथ मैं आगे बढ़ूंगा वोकेशनल कोर्स तक, और आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट कोर्स या बेस्ट करियर किस फील्ड में चूज करें जिससे आप आपके करियर को या आपके लाइफ को बेस्ट बना सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।